तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मुझे एक बंदे ने, जिसका नाम दोस्तों रोहित राठौर करके है, आप स्क्रीन शॉट देख सकते हो। तो दोस्तों इसने मुझे कमेंट किया है कि भाई आप हमेशा DSLR वाली पिक ही एडिट करते हो, अगर आपके पास दम है तो अपने मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो अच्छे से एडिट करके दिखाओ। तो दोस्तों आज हम मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो ही एडिट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो दोस्तों आप वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों आप फ़ोटो देख सकते हो कैसा है। तो फ़ोटो पे गाइस कुछ भी जान नहीं है, तो इस पर गाइस हम एकदम बेहतरीन एडिट करेंगे। तो हमें जाना है पेंसिल वाले आइकन पर। तो इधर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों ट्यून इमेज का, तो इस पर रखेंगे गाइस ट्यून इमेज पे। तो ट्यून इमेज पे जाने के बाद हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो फर्स्ट हमारा जो है ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस को हम थोड़ा ही बढ़ा देंगे अपने फ़ोटो के हिसाब से, कुछ 20 के पास। और इसको बढ़ाने के बाद हम कॉन्टेक्स्ट को नहीं छेड़ेंगे और इसकी सेचुरेशन को कर देंगे 15। तो इतना करने के बाद हमको इसके एवरेज को कर देंगे यही कोई 20 के अकॉर्डिंग, और इसके हाईलाइट को थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे बस, और इसकी शेडो को भी 10 के पास खींच देंगे और इधर कर देंगे फ़ोटो को डन। तो देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अलग ही प्रकार की जान आ चुकी है फ़ोटो में, देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों लेंस ब्लर का, जो कि गाइस ये वाला है। तो इधर जाने के बाद हम थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे एकदम, और छोटा अपने कपड़ों पर रख के इधर कर देंगे डन। तो देखो दोस्तों डन हो चुका है। तो इतना करने के बाद हमें जाना है ये वाले ऑप्शन पे, ये वाले, और इधर जाने के बाद हमें जाना है व्यू एडिट पे। तो इस पर जाने के बाद हमको एक ऑप्शन मिलता है लेंस ब्लर का, और इधर मिलता है एक ये वाला ऑप्शन, तो इधर रख देंगे। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ भी अभी इफेक्ट नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें अपना बॉडी को बचाते हुए बैकग्राउंड में ब्लर करना है। मैं फटाफट से कर लेता हूँ दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों काफ़ी अच्छे से मैंने बैकग्राउंड को ब्लर कर लिया है। तो इतना कर लेने के बाद आपको आ जाना है बैक, और इधर फिर जाना है पेंसिल वाले आइकन पे, और आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पे जो कि है डिटेल वाला ऑप्शन। तो डिटेल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको इसकी स्क्वायर्स को बढ़ा लेंगे 10 के पास, उसकी शार्पनिंग को कर देंगे यही 12, कर देंगे फोटो डन इसी वाले आइकन पे। और जाना है सिलेक्टिव वाले टूल पे, जो कि गाइस ये बेस्ट है गाइस, सबसे बढ़िया यही है। तो इसके करने के बाद थोड़ा जूम कर लेंगे, और जूम करने के बाद हम इसे अपने फेस पे रख लेंगे जिधर ज़्यादा रेड रेड है। तो इसको हम थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे अपने फ़ोटो के हिसाब से, तो मैंने इसको बढ़ा लिया है 30, और इतना बढ़ाने का इसकी सेचुरेशन को कर देंगे कम, ताकि गाइस फ़ोटो में अच्छा वाला लुक आ जाए, हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों बिफोर एंड आफ्टर। तो हम इसके फ़ोटो को कर लेंगे शेयर अपने वो वाले ऐप पे लाइटरूम पे। तो चलते हैं लाइटरूम पे। आने के बाद हम जाएंगे इधर स्क्रॉल करने के बाद अपना लाइट वाले ऑप्शन पे, तो लाइट वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो इधर जाने के बाद आपको बहुत सारा टूल मिल जाता है। तो एक्सपोज पहला तो ब्राइटनेस का है, तो हमें तो नहीं बढ़ाना है क्योंकि हमारी फ़ोटो पर ब्राइटनेस फुल है। इसके हाईलाइट को थोड़ा बढ़ा देंगे, और इसकी शेडो को कर देंगे प्लस 10। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से कर लीजिएगा, इसकी वाइट को भी कर देंगे यही कोई 9-10 के अकॉर्डिंग। तो इतना करने के बाद हम जाएंगे कलर वाले टूल पे, और गाइस इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कलर वाले टूल पे जाने के बाद आपको वाइब्रेशन को कर देना है 80 के पास कर देना है। इस पर गाइस आपको फेस को थोड़ा इफेक्ट होगा, तो हम उसको भी बता देंगे क्या कैसा करना है। और इसकी सेचुरेशन को भी यही कर देना है हमको 20 के पास। तो इतना करने के बाद हम जाएंगे इधर एक कलर वाला टूल है, तो इधर जाएंगे ऊपर, आप देखिए ये वाला दोस्तों। तो इधर चले जाते हैं, तो इधर आपको फर्स्ट ध्यान देना है। तो जो कि गाइस हमारा रेड कलर है, तो फेस में भी रेड कलर है, तो हमें इसकी सेचुरेशन को थोड़ा कम कर देंगे
इतना बस। और हमें जाना है ऑरेंज वाले कलर पे, और ऑरेंज वाले कलर को हम कुछ इस तरीके से खींच लेंगे ताकि ये ऑरेंज कलर चला जाए, और इसकी हम सेचुरेशन को कर देंगे कम एकदम से। आप देख सकते हो दोस्तों, एकदम अच्छा वाला फेस होने लगा है, और इसकी ल्यूमिनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि हमारे चेहरे पे चमक आ जाए। हाँ दोस्तों, तो इतना करने के बाद मैंने और ग्रीन वाले को फुल कर देंगे येल्लो, तो इतना हो जाने के बाद इसकी सेचुरेशन को कर देंगे फुल, और फुल के ल्यूमिनेस को कर देंगे यही कोई 20 के अकॉर्डिंग। तो 20 हो जाने के बाद दोस्तों आना है येल्लो वाले ऑप्शन पे, और उसकी सेचुरेशन को कर देना है फुल। तो गाइस हमारा फुल येल्लो आ चुका है, आप देख सकते हो। और इतना करने के बाद इसके ल्यूमिनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि और लाइट आ जाए, और तो हमें करना नहीं है, बस इतना ही बहुत है पिक्सार्ट ऐप पे। तो दोस्तों ये मेरी फ़ोटो है, आप देख सकते हो। तो इस पर गाइस हमें दो वक्त करना है, पहले तो गाइस अपना हेयर लगाना है, और दूसरा हमें करना है कि अपना जो कपड़ा है, ये हमारा क्लोथ है, तो इस पर गाइस अच्छा सा कलर करना है। तो दोस्तों फर्स्ट गाइस आपको जाना है इधर स्टिकर वाले ऑप्शन पे, तो आप देख सकते हो ये है स्टिकर वाला ऑप्शन। तो इधर जाने के बाद आपको अपना डाटा ऑन करना है, और इधर आपको सर्च करना है हेयर, हेयर यानी बाल। कर लूँगा अपने हेयर को ऐड, कुछ डाउनलोड हो रहा है, हमारा हेयर आ चुका है। तो फ़ोटो को जूम कर लेंगे, और हेयर को कुछ इस तरीके से आप थोड़ा देखते जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमें जाना है ये वाले ऑप्शन पे जो है गाइस इफेक्ट वाला, तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने कलर वाला। तो कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें जाना है कलर रिप्लेस पे, और हमारा जो जिधर बदलना है तो उधर हम रख देंगे। तो हम कुछ खींच के अपनी शर्ट पे रख देंगे जिधर हमारी शर्ट पे है पिंक कलर है। तो इधर रखने के बाद गाइस हमें कौन सा कलर करना है आप इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हमारा कलर है गाइस, तो फर्स्ट है दोस्तों ये वाली लाइन, तो हमें इस पे कलर करें तो हमारा अपने आप से कलर बदलता जाएगा जो हमें करना है। आप देख सकते हो हमारे शर्ट पे जो कलर का जो हमें करना है, आप भी स्मूथली देख सकते हो। दोस्तों मुझे ये ब्लू वाला कलर चाहिए, तो हम जाएंगे ऊपर मिटाने वाले ऑप्शन पे, और उधर अपने फेस का हटा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो फेस का कलर हटा लेते हैं। हमारा हेयर है गाइस ये, और गाइस हमारे कपड़े का रंग, तो मैंने दोनों ही बता दिया है। तो दोस्तों हम मिलेंगे ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ।